पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर भूकंप की चपेट में आ गया है और ऐसा नेपाल में पिछले एक महीने में तीसरी बार हुआ है। बता दें कि शुक्रवार देर रात आए 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही नेपाल में आए इस भूकंप के झटके को दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किया गया है। इस भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तर भारत के कई राज्यों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। वहीं नेपाल में इमारतें के मलबे में दबने से 150 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी मौतों के आंकड़े बढ़ सकते हैं। मलबे में दबने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बिहार के पटना में भी भूकंप के झटके लगे हैं। बिहार के कई जिलों में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भूकंप से जनहानि और क्षति से अत्यंत दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। भारत नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल को हर संभव सहायता देने के लिए भारत तैयार है। आपको बता दें कि जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में आए इस भूकंप के झटके दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं। रात करीब 11:32 पर आए इस भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए, लोग अपने घरों के बाहर निकलने लगे। चारों तरफ दहशत का माहौल बना हुआ नजर आया। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बचाव और राहत के लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया है। इस भूकंप का असर यूपी के लखनऊ में भी देखा गया था, जहां लोग झटके महसूस होने के बाद घरों से बाहर निकल आए थे। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले महीनों की 22 अक्टूबर को आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। नेपाल में भूकंप के 4 झटके लगे थे, सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए थे। नेपाल में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत को लेकर राजधानी दिल्ली NCR तक महसूस किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार रात भूकंप के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। कई घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनकी हालत बहुत गंभीर है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।